जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं कि यूपीएस से एक कदम दूर है ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, पहले पिछले वीडियो में मंजीत सिंह पटेल ने बताया था एनपीएस से दो कदम दूर है ओपीएस, और उसका एक्सप्लेन भी किया था। वो वीडियो हमने डाला भी है, अगवानी पे ये इंटरव्यू दे रहे थे और वो वीडियो हमने डाला भी है। आपको बता दें, अभी जो बता रहे हैं दोस्तों, वो बता रहे हैं कि एक कदम, मात्र एक कदम दूर है यूपीएस से ओपीएस, और यूपीएस में एक चीज का बदलाव अगर कर दिया जाए तो ओपीएस बन जाएगा। ये मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं। जहाँ दोस्तों, आपको पता होगा अभी पूरे देश में, पूरे देश को वो संगठित कर रहे हैं और सबको दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, क्योंकि 17 नवंबर को पेंशन शंखनाद रैली है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे यूपी में हर एक जिला जवार में जा जा कर आंदोलन कर रहे हैं पेंशन शंखनाद रैली के लिए और दिल्ली चलने के लिए सबको एकजुट कर रहे हैं। ये हैं मंजीत सिंह पटेल। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष, उनका कहना है कि मात्र एक कदम दूर है यूपीएस से ओपीएस। अगर यूपीएस में एक चीज का बदलाव सरकार कर देती है तो वो हूबहू ओपीएस बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो बदलाव है आपका कंट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 10% कटता है और सरकार जो अनाउंसमेंट कर रखी 18.5% देंगे, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन 10% है उसको अगर जीपीएफ के तौर पर, जनरल प्रोविडेंट फंड के तौर पर ब्याज सहित अगर वापस कर देती है लमसम अमाउंट, एकमुश्त अमाउंट जो सरकार दे रही है, तो आपका लगभग ओपीएस हो जाएगा यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, ये मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लमसम अमाउंट जो यूपीएस में देने की बात की गई है, वो आपको पता होगा कि हर 6 महीने का 1/10 करके उसको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि वो लगभग हर एक कर्मचारी का 5 से 6 लाख रुपए लमसम अमाउंट आता है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 35 साल नौकरी करने के बाद। लेकिन जो मंजीत सिंह पटेल है, उनका कहना है कि आपका जो 10% कंट्रीब्यूशन है उसका जीपीएफ ब्याज सहित अगर लौटा दे यूपीएस में भी, तो अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और वो ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओपीएस अभी आना बाकी है, उसका गजट आना बाकी है, उसमें बहुत चीजें ऐड होगा। और ये जो यूपीएस जो आएगा उसमें जो एड होगा, उसमें बहुत सारा रिव्यू कमेटी मिलकर बनाया था। आपको पता होगा सोमनाथन कमेटी ने उसको बनाया था और वो सोमनाथन कमेटी रिव्यू ली थी प्रत्येक स्टेट से। आपको पता होगा मंजीत सिंह पटेल का कहना था कि जो 10% का जो कंट्रीब्यूशन है सरकार, उसे अगर वापस कर दे तो एज ए ओपीएस बन जाएगा, यूपीएस भी ओपीएस बन जाएगा। उसकी बारीकियों को भी समझाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार के सामने कुछ समस्या है जिसके कारण ये चीजें थोड़ा दूर नजर आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ओपीएस लागू होगा, हूबहू ओपीएस लागू होगा, ये मंजीत सिंह पटेल का भी मानना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनका ये कहना है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जब अक्टूबर में रामलीला मैदान में, याद होगा कि कितना बड़ा रैली हुआ था, रैली नहीं हुआ था, रैला हुआ था दोस्तों, और उसमें सारे विपक्ष और सारे सरकारी कर्मचारी एनपीएस धारी सारे लोग दिल्ली पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, और वहां पर ओपीएस का मांग का बहुत बड़ा वो चला था, जहां पर विपक्ष भी साथ दिया था। लेकिन अगले ही महीने जब कांग्रेस का जब वो आया था, मैनिफेस्टो आया था, तो उसमें ओपीएस मुद्दा शामिल नहीं किया गया था, जबकि उसकी सप्लीमेंट्री जो होता है दोस्तों, उसमें भी ओपीएस मुद्दा शामिल नहीं किया था। ये बहुत बड़ा राजनीति हुआ था हम लोगों के साथ उस समय भी। कांग्रेस क्यों नहीं की थी, क्योंकि उसमें भी कुछ पेश फंसा हुआ था। अभी एनपीएस को ओपीएस भी बदला जा सकता है। वो दो चीज जो बोला जा रहा है, जो मंजीत सिंह पटेल ने बताए थे कि दो चीज अगर एनपीएस में भी बदलाव कर दिया है तो ओपीएस बन जाएगा, और यूपीएस में एक चीज बदलाव कर दिया तो ओपीएस बन जाएगा। तो दो मांगे, अगर एनपीएस को ओपीएस बनाना है तो दो चीज को सरकार अगर चेंज कर दे, जो मंजीत सिंह पटेल ने बताया है, तो ओपीएस बन जाएगा। वो हम पिछला वीडियो में बता चुके, चाहे था उसको देख सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार का जो एज पर फंस रहा है, जहाँ दोस्तों सरकार यूपीएस में जो 25 साल का फाउंडेशन लेकर आई है कि कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करेगा तभी उसको 50% पेंशन बनेगा, ये फाउंडेशन एक्चुअली मजबूरी में सरकार लिया है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी को आपको पता होगा सरकारी गवर्नमेंट में आने के लिए 27 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए,
और जो ओबीसी है उसके लिए 30 साल का है, जो एससी एसटी है उसको 32 साल तक केंद्रीय कर्मचारी ज्वाइन कर सकता है। तो आप उसका अगर कोई 32 साल में भी ज्वाइन करता है तो करीब 28 साल नौकरी कर लेता तो उसका तो 25 साल पूरा हो जाता। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका 25 साल भी पूरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 20 साल होने पर ही उसके 50% पेंशन बन जाती थी, लेकिन सरकार यूपीएस लेकर आई है इसमें उसको कम से कम 25 साल नौकरी करना पड़ेगा, तो उसके लिए घटा का सौदा नजर आ रहा है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ में 33 साल नौकरी होने पर 50% पेंशन मिलता था, उसके लिए तो फायदा हो गया, 25 साल जैसे ही यूपीएस में आएगा उसको तो पेंशन मिल जाएगा। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का ये था सिनेरियो। पंजाब और राजस्थान में 25 साल नौकरी करने के बाद 50% पेंशन मिल जाता, उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ कुछ स्टेट में उम्र को लेकर दिक्कत हो रहा था और उसका कॉर्पस भी बहुत कम अमाउंट था, जिसके कारण सरकार को 50% पेंशन देने में दिक्कत आ रही थी। इसके कारण सरकार ने रिव्यू कमेटी बनाया था और रिव्यू कमेटी हर एक स्टेट से लिया गया था और लास्ट में फाइनल 25 साल यूपीएस में जोड़ा गया। लेकिन सरकारी कर्मचारी है जो कि 20 साल मांग रही है कि हमें ये जो क्वालिफाइंग सर्विस है इसे 20 साल कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें थोड़ा घटा हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो 20 से 22 साल में वो वीआरएस लेकर अपने घर चले आते हैं, क्योंकि घर द्वार से बहुत दूर रहते हैं, विषम परिस्थितियां वो जॉब करते हैं। तो पहला अधिकार ओपीएस पाने का तो उन्हीं का है, लेकिन उम्र जो है यूपीएस में 25 साल कर दिया गया, इसको 20 साल करना है। और आपका जो लमसम 10% कटता था, उसका जो लमसम अमाउंट जो दिया जा रहा है यूपीएस में जो दिया जाएगा, उसके जगह पर आपका टोटल 10% जो कट रहा है वो टोटल अमाउंट अगर सरकार वापस कर देती है लमसम अमाउंट के जगह पर, तो यूपीएस ही ओपीएस हो जाएगा, ये मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो इस तरह से सरकार ये चाह रही थी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, इसीलिए जो यूपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल रखा गया। लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए हर एक स्टेट में नियम अलग है, केंद्र का नियम अलग है, तो उसमें दिक्कत हो जा रहा है। इसलिए आज नहीं तो कल सरकार को 20 साल ही करना पड़ेगा क्वालिफाइंग सर्विस। इसके अलावा जो 10% कंट्रीब्यूशन उसको भी सरकार को पूरा देना पड़ेगा। तो आपको बता दें, ये यूपीएस जो हो आने वाला दिन में ओपीएस बन जाएगा, और एनपीएस में आपको पता होगा कि एनपीएस में 15 लाख करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी का लगा हुआ, 15 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। अगर एनपीएस को खत्म करके ओपीएस करते हैं तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, वो आपको कहां से पेंशन दे पाएगी। इसीलिए सरकार कभी भी एनपीएस को निरस्त नहीं कर सकती है, उसकी मजबूरी है। हां, एनपीएस का ही पैसा धीरे धीरे करके ओपीएस में डाला जा सकता है, यह किया जा सकता है। आपको पता होगा 15 लाख करोड़ रुपया जमा हर एक महीना एनपीएस में, कर्मचारी का 10%, सरकार का 14%, टोटल 24% पैसा एनपीएस में जमा होता है हर एक महीना, 12,000 करोड़ रुपया जमा होता है। 3 पेंशन फंड है, आपको पता होगा, एसबीआई का पेंशन फंड है, यूटीआई का पेंशन फंड है, एलआईसी का पेंशन फंड है, यानी 4,000 करोड़ रुपया उसमें हर महीने जाता है। और आपको पता होगा सारा पैसा शेयर मार्केट पर लगा हुआ है, और वो शेयर मार्केट का कीमत 4-5 साल पहले तो मात्र 20-22 रुपया हुआ करता था, अभी 45-46 रुपया चल रहा प्रत्येक शेयर का कीमत। अगर सरकार डायरेक्ट उस 15 लाख करोड़ को निरस्त कर देती है तो समझ लीजिए जो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा था वो फ्लो रुक जाएगा, शेयर मार्केट धराम से गिर जाएगा। आपका जो पैसा का शेयर अभी जो वैल्यू 45-46 रुपया चल रहा है वो गिर के सीधे 20-22 रुपया पर आ जाएगा, यानी सरकार पेंशन देने लायक भी नहीं बचेगी, आपको पेंशन 1 रुपया तक नहीं मिलेगा, आपका कॉर्पस ही बहुत छोटा हो जाएगा उस केस में, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी बाजार में लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए एनपीएस को डायरेक्ट निरस्त सरकार नहीं कर सकती, सरकार के मजबूरी है, डायरेक्ट बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। इसलिए सरकार एनपीएस का पैसा जैसे जा रहा उस तरह से जाएगा, और इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके एनपीएस को ओपीएस बना देगी, या फिर यूपीएस अगर आएगी तो यूपीएस में भी कुछ मॉडिफिकेशन करके ओपीएस बना देगी। यही बात मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं कि राज्य सरकार के लिए उम्र का समस्या आ रहा था, छत्तीसगढ़ में 33 साल कंप्लीट करिए तब जाके 50% पेंशन बनता था, राजस्थान में पहले 28 साल था, गहलोत सरकार ने 25 साल कर दिया, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उत्तर प्रदेश में 20 साल नौकरी करने के बाद ही पेंशन बन जाता था 50%, तो उनको तो 25 साल नौकरी करना पड़ेगा, सबसे बड़ा दुख तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। तो ये सब चीज़ें सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अर्धसैनिक बल के लिए देखिए, केंद्रीय सरकारी में तो मान लीजिए
ठीक है 27 साल में नौकरी हमें आ जा रहे हैं या 32 साल तक आ जा रहे हैं, उनका तो 25 साल आराम से पूर जा रहा है, लेकिन जो अर्धसैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं, वो बहुत विषम परिस्थिति में जॉब करते हैं। आपको पता होगा अपनी सर्वोच्च बलिदान देते हैं और निगेटिव परिस्थिति में वो जॉब करते हैं, तो 20 से 22 साल में उनका सारा जो एनर्जी है पूरी तरह से सरकार सेवा में लग जाता है, तो उस केस में वो और उतना दिन तक वो परिवार से भी दूर रहते हैं, तो उनका इच्छा करता है कि हम बीआरएस लेकर अपने परिवार के साथ व्यतीत करें, और यही कारण है कि 20-22 साल में वो रिटायरमेंट बीआरएस ले लेते हैं, और वो यही चाहते कि उनका पेंशन जो है 20 साल से ही शुरू हो जाए ताकि उनका पारिवारिक स्थिति अच्छी तरह से चले, और यही यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि यूपीएस में 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस रख दिया गया सरकार की तरफ से, तो सरकार को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और दोनों तरफ से लड़ाई चल रहा, टसन का लड़ाई है, सरकारी कर्मचारी ओपीएस छोड़ने को तैयार नहीं है, सरकार भी विवश हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर भी डायरेक्ट अगर एनपीएस को निरस्त करती है तो बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, और हर एक राज्य का जो एज लिमिट है उसमें सरकारी नौकरी क्वालिफाइंग करने का अलग अलग है, उसको ससमंजस बैठाने के लिए सरकार ने 25 साल रखा, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ भी विडंबना आ जा रही है, इसके कारण सरकार को ही अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा और उसे 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस करना पड़ेगा, और जो आपका 10% कंट्रीब्यूशन है वो भी सरकार को लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, तो आपका जो यूपीएस है, आपका जो एनपीएस है, वो हूबहू ओपीएस बन जाएगा। बाकी और यूपीएस का गजट पूरा बाकी आना बाकी है, वो गजट में पूरा वो नियम रहेगा कि आप जब 80 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 20% पेंशन बढ़ जाएगी, आप 85 साल के हो जाएंगे तो 30% पेंशन बढ़ जाएगी, आप 90 साल के हो जाएंगे तो 40% पेंशन बढ़ जाएगी, आप 95 साल के हो जाएंगे तो 50% पेंशन बढ़ जाएगी, आप 100 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको पेंशन सीधे दुगना हो जाएगी, ये सब चीज़ें आना बाकी, ये सब आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें अगर सरकार बदलाव कर दे, एक 10% कंट्रीब्यूशन सरकार जो सरकारी कर्मचारी का लगता है उसके पूरा का पूरा जीपीएफ के तौर पर वो ब्याज सहित वापस कर दे, और दूसरा जो एज लिमिट है 25 साल उसे 20 साल कर दें, तो सारे कर्मचारी खुश हो जाएंगे और सरकार भी खुश हो जाएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, एनपीएस को निरस्त भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपका शेयर मार्केट आराम से गिरेगा भी नहीं, सरकार भी सरकार अच्छी तरह से चलाएगी और सरकारी कर्मचारी भी देश को अच्छी तरह से चलाएगा और अपना पूरा योगदान देगा, अपना पूरा जवानी खपाएगा देश की सेवा में। यही मांग करते हैं मोदी सरकार से, मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज पर बात पर गौर किया जाए, क्योंकि मंजीत सिंह पटेल टेक्निकली रूप से बात करते हैं, ना कि डायरेक्ट आप हूबहू पेंशन मांग रहे, क्योंकि आप सरकार का भी चीज को ख्याल रख रहे हैं। तो इससे पहले भी आपको पता होगा 30 मार्च 2021 को जब एक अमेंडमेंट हुआ था डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में, आपको पता होगा कि कोई भी कर्मचारी एनपीएस में हो या फिर जिनका पेंशन एनपीएस में चल रहा हो, वो अगर 20 साल नौकरी किया हो या 25 साल नौकरी किया हो, और 25 साल में अगर वो 50% अगर एक दिन पहले भी अगर उनका डेथ हो जाता है तो एनपीएस में जब वो कार्यरत रहते हैं उस समय उनका डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली को या उनको ओल्ड पेंशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में ओल्ड पेंशन का भी प्रावधान है, क्योंकि जब भी उसको सर्विस लाइफ में उनका डेथ होता है तो ओल्ड पेंशन बनता है, लेकिन जैसे वो सर्विस कंप्लीट करते थे एनपीएस का पैसा उनका मिलने लगता है, तो उस केस में सरकार मात्र एक कदम दूर है कि उनका क्वालिफाइंग सर्विस के बाद भी अगर ओपीएस मिलना शुरू कर दे और एनपीएस में थोड़ा सा बदलाव करके तो वो ओपीएस हो जाएगा, तो ये लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन है जो इसको करना नहीं चाहते, सिर्फ हूबहू ओपीएस मांगते हो, वो ओपीएस मांगते हो तो ठीक है, लेकिन राजनीति इसके ऊपर करते हैं, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आपका अपना मुद्दा अलग है, हमारा मुद्दा सिर्फ ओपीएस है, आप सरकार से एक ही मांग है, ओपीएस जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए और ये सब टेक्निकल चीज पर ध्यान दे सरकार, तो ओपीएस बहाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।